हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बेस्ड। पिछले वीडियो में हमने डेफिनेशन ऑफ सेट्स और डिफरेंट मेथड्स ऑफ राइटिंग ऑफ सेट्स देखा है। अभी इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ सेट देखने वाले हैं। तो टाइप्स ऑफ सेट में फर्स्ट सेट हम देखने वाले सिंगलटन सेट। अभी हमें नाम से पता चल रहा है कि सिंगलटन सेट मतलब क्या रहता है, जिस सेट में ओनली सिंगल एलिमेंट रहता है। सिंगलटन का नाम से पता चल रहा है कि द सेट विच कंसिस्ट ऑफ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड एज सिंगलटन सेट। तो एक सिंगलटन सेट का एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक ए सेट है और ए सेट का एक डेफिनेशन देते हैं कि ए सेट सच दैट इट कंसिस्ट ऑफ इवन प्राइम नंबर। सेट ए इज इवन प्राइम नंबर। तो हम उसे सेट में क्या लिख सकते हैं? अभी हमें पता है प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 2, 3, 5, 7। लेकिन हमें एग्जांपल में क्या दिया है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो हमें पता है कि एक ही ऐसा इवन इवन नंबर है जो प्राइम भी है और इवन भी है, वो कौन सा है, 2। तो इस सेट में बस एक ही एलिमेंट है, दूसरा कौन सा एलिमेंट नहीं आ सकता है। तो इसे क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट। ठीक है, अभी नेक्स्ट सेट देखते हैं, एम्प्टी सेट और नल सेट। यहाँ भी नाम से पता चल रहा है कि एम्प्टी सेट है मतलब उस सेट में कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है। और एम्प्टी सेट का दूसरा नाम क्या है, नल सेट। तो एम्प्टी सेट का डेफिनेशन क्या रहता है, सिंपल है, द सेट विच कंसिस्ट ऑफ नो एलिमेंट इज कॉल्ड एज एम्प्टी सेट और नल सेट। और ये एम्प्टी सेट और नल सेट को डिनोट कैसे करते हैं, एक तो करली ब्रैकेट ऐसे लिखते हैं, बीच में कुछ नहीं लिखते, इसे एम्प्टी सेट बोलते हैं। और एक इसका नोटेशन है, वो है फाइ। इसे क्या बोलते हैं, हम फाइ। तो एम्प्टी सेट में क्या रहता है, द एक भी एलिमेंट नहीं रहता, इसलिए एम्प्टी सेट बोलते हैं। तो एम्प्टी सेट का एक एग्जाम्पल देते हैं, सिंपल एक एग्जाम्पल लेते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन वन। सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन वन, सपोज ए सेट है, उस सेट में उसने बोला है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन वन। हमें पता है कि नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है वन से, और उससे लेस कौन सा नंबर है, क्या नहीं है। तो इस सेट में क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। तो ये सेट क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। तो हमें पता चला सिंगलटन सेट मतलब क्या, सेट कंसिस्टिंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। और एम्प्टी सेट मतलब क्या, जिस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं रहता उसे एम्प्टी सेट होता है। अभी नेक्स्ट टाइप देखते हैं, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मतलब क्या, इधर भी नाम से पता चल रहा है, अ सेट विच इज काउंटेबल, मतलब उस एलिमेंट, इस सेट में जो एलिमेंट रहते हैं वो काउंटेबल रहते हैं, लिमिटेड रहते हैं, इसे को आप क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट कहते हैं। अभी एक फाइनाइट सेट का एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमें बताया गया कि से एक पी सेट है, उस पी सेट का स्टेटमेंट है कि सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 10। सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 10 और सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, तो कौन कौन से आते हैं, 2, 4, 6, 8, लेस देन 10। बस ये काउंटेबल है, 1, 2, 3, 4, ये काउंटेबल है ना इसमें, तो ये फाइनाइट सेट हो गया। अगर उसने बोला होगा लेस देन 10 नहीं बोला होता और डायरेक्टली बोला होता सेट ऑफ इवन नंबर, तो हम यहाँ ये काउंट नहीं कर सकते थे, इसे फाइनाइट सेट नहीं बोल सकते थे। लेकिन इधर हमें क्या दिया है, लेस देन 10, सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 10। तो हम इजीली बता सकते हैं कि टोटल नंबर 4 है, 2, 4, 6, 8 आते हैं। तो इस सेट को क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट। अभी नेक्स्ट देखते हैं इनफाइनाइट सेट। इसका अपोजिट है इनफाइनाइट से। इनफाइनाइट सेट का डेफिनेशन क्या है, जिस सेट में अनलिमिटेड और अनकाउंटेबल नंबर है उस सेट को क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट का एक सिंपल एग्जाम्पल है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर को यन से लिखते हैं, 1, 2, 3 टिल इन्फिनिटी। तो इस सेट का इन्फाइनेट इन्फाइनेट तक जाएगा ये। इसमें हम काउंट नहीं कर सकते कि कितने एलिमेंट आएंगे कितने नहीं है, तो इसे इन्फाइनेट सेट कहते हैं। ठीक है, इसके रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अभी एग्जाम्पल क्या दिया है, पहले अभी कुछ एग्जाम्पल दिया है, उसमें हमें पता करना है कि फाइनाइट कौन सा है और इनफाइनाइट कौन सा है। ठीक है, एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, ए
x x belongs to natural number and x is odd number. इसने क्या बोला, x is odd number. तो odd number हमें पता है क्या क्या है, 1, 3, 5, 7 और उसके बाद इन्फिनिटी तक ये जाएगा. तो ये सेट क्या है, हम काउंट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट. इस सेट को इनफाइनाइट सेट बोलते हैं. अभी सेकंड एग्जांपल लेते हैं. इस एग्जांपल में क्या दिया है, सेट बी दिया है, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर दिया है, 3x-1=0. एक सिंपल सा इक्वेशन दिया है, तो इसको सॉल्व करते हैं. 3x-1=0, तो ये क्या आएगा, 3x=1. इसे क्या, एक्स का वैल्यू क्या आएगा फिर यहाँ, 1/3. x=1/3. लेकिन हमें एग्जांपल में क्या दिया है, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. अभी भी 1/3 नेचुरल नंबर है क्या, नहीं है. नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, ये तो एक p/q फॉर्म में है, रैशनल नंबर है. ये नेचुरल नंबर आएगा क्या, नहीं आएगा. तो इससे क्या, ये सेट में b में क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, नल आएगा. जिस सेट में वैल्यू कुछ भी नहीं आए थे तो नहीं. तो इस सेट को हमें क्या एग्जांपल में क्या पूछा है, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट पूछा है. तो ये क्या है, एक ही है, तो इसे क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट. हमें पता है कि इसमें नल है मतलब, तो हम फाइनाइट सेट बोल सकते हैं. और इस सेट को दूसरा नाम और क्या दे सकते हैं, एम्प्टी सेट भी बोल सकते हैं. ठीक है, अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. यहाँ क्या दिला है, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज डिविजिबल बाय 7. अभी एक्स इज डिविजिबल बाय 7, कौन से आएंगे, 7, 14, 21 till infinity. तो यहाँ भी डिविजिबल बाय 7 दिया है और कुछ कंडीशन नहीं दिया है, इन्फिनिटी तक जाएगा, ये काउंटेबल नहीं है. तो ये सेट कौन सा आएगा, इनफाइनाइट सेट. ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं. अभी एक इस एग्जांपल में क्या दिया है, a कॉमा b का एक दिया है और a कॉमा b बिलोंग्स टू w. w मतलब क्या है, होल नंबर है. अभी a plus b is equal to 9 ऐसे कंडीशन दिया है. अभी a plus b is equal to 9 दिया है, तो हमें क्या है, कॉम्बिनेशन लेना है वैल्यू का, अलग अलग वैल्यू लेने हैं, a की वैल्यू अलग, b की वैल्यू अलग लेने. सपोज इस सेट का नाम क्या है, da. तो सपोज पहले हम इसका a का वैल्यू पहले 0 लेते हैं, तो b का वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा. ठीक है, और एक नेक्स्ट कंडीशन में क्या, a की वैल्यू 1 लिया तो इसका 8 आ जाएगा. उसके बाद यहाँ 2 लेंगे 7, तो इसका क्या आएगा, 3, 6, 4, 5, 4, 6, 3, 7, 2, 8, 1 और 9, 0. बस इतनी कर सकते, 1, 2, 3, 4, ये काउंटेबल है. तो ये काउंटेबल है, तो यहाँ क्या बोल सकते हैं, ये फाइनाइट सेट है. इसे क्या बोल सकते हैं, फाइनाइट सेट है. ठीक है, अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. x बिलोंग्स टू i मतलब इंटीजर, और x square is equal to 100. x square is equal to 100 मतलब क्या, x का वैल्यू क्या आएगा, एक तो प्लस 10 आएगा या माइनस 10 आएगा. ठीक है, तो सेट में क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 10, -10. तो ये तो काउंटेबल है, ये काउंटेबल है, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, फाइनाइट सेट बोल सकते हैं. अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. अभी इधर भी देख क्या दिया, a कॉमा b दिया है, a कॉमा b बिलोंग्स टू q दिया है, बिलोंग्स टू q दिया है, और a प्लस b इज इक्वल टू 11 दिया है. तो अभी लास्ट एग्जांपल में देखा था हमने कैसे इसके कॉम्बिनेशन है, तो वैसे कॉम्बिनेशन यहाँ लेने हैं. यहाँ क्या लेते हैं, पहले 6, 5 लेते हैं, ए की वैल्यू 6 लेते, बी की वैल्यू 5 लेते, और एक क्या ले सकते हैं, 3, 8 ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, ये बिलोंग्स टू क्यू बोला है, तो हम यहाँ पॉइंट में भी ले सकते हैं, 3.5, 7.5 भी ले सकते हैं, यहाँ माइनस बी में भी ले सकते हैं, -15, 26 मतलब ए की वैल्यू -15 लिया और बी की वैल्यू 11 लिया. तो ऐसे बहुत सारे मल्टीपल इंडेफिनेट वैल्यू ले सकते, क्योंकि a कॉमा b क्या है, बिलोंग्स टू q. q मतलब क्या है, हमारा रैशनल नंबर. तो यहाँ हम क्या इनफाइनाइट वैल्यू ले सकते हैं. तो इस सेट को क्या बोलेंगे हम, इनफाइनाइट सेट. और NWIQR मतलब नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर और रियल नंबर, ये सब का सेट क्या रहेगा, इनफाइनाइट सेट रहेगा. ये कोई प्रॉपर्टी हमेशा याद रखे, ये इनफाइनाइट सेट रहेगा. तो अभी देखने वाले नेक्स्ट बिट, उसका नाम है इक्वल सेट. अभी इक्वल सेट मतलब क्या, नाम से पता चल रहा है हमें, क्या रहता है, टू सेट्स है. मान लो ए और बी,
ए और बी को इक्वल कब मानेंगे, जब ए के जितने भी एलिमेंट है सेम टू सेम बी में रहने चाहिए और बी में जितने भी एलिमेंट है वही सेम टू सेम ए में रहना चाहिए। ऐसा नहीं रहना चाहिए कि ए में है और बी में ए का बी का सेम हो रहा है लेकिन बी बी से ए कंपेयर करो तो नहीं हो रहा है। दोनों के ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड ईच ऑफ बी सेट बी सेम होना चाहिए तभी हम बोल सकते हैं। मान लो एक सेट ए है उसका 1,2 है और बी इज इक्वल टू 1,2,3 है। अभी इसमें क्या है 1,2 और इसमें 1,2 कॉमन आ रहा है लेकिन 1,2,3 इधर आ रहा है और यहाँ 1,2 आ रहा है तो ये सेम होगा का नहीं होगा, तो ये इक्वल सेट नहीं आएगा। इक्वल सेट का क्या आना चाहिए, ए इक्वल टू 1,2 और बी इक्वल टू कुछ भी ले सकते 2,1 ये भी चल सकता है तो ये इक्वल सेट आ जाएगा। तो अभी इक्वल सेट के कुछ एग्जांपल देखते हैं। ए सेट में क्या दिया है, एक्स एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड लिसन और बी में क्या दिया है वाई इज अ लेटर ऑफ वर्ड साइलेंट। तो ए में हम क्या लिख सकते हैं सेट का लिस्टिंग फॉर्म में एल आई एस टी ई एन और सेट बी में क्या लिख देंगे एस आई एल ई एन टी। अगर हम दोनों सेट कंपेयर करेंगे तो ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए बी में है और बी के जो भी सेट के एलिमेंट है वो भी ए में है तो ये दोनों सेट इक्वल सेट हो गए। ठीक है इक्वल सेट हो गए। अब ये और एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ क्या दिया है एक्स एक्स इज दैट एक्स इज इक्वल टू 2n एक्स बिलोंग्स टू n और 0 लेस देन एक्स लेस देन और इक्वल टू 10। तो अभी इस सेट का क्या आएगा ए इक्वल टू 2n दिया है, 2n मतलब क्या है 2 के मल्टीपल में और n की वैल्यू नेचुरल नंबर से है तो अभी क्या आएगा 2, 4, 6 और कहाँ तक दिया है इक्वल लेस देन इक्वल टू 10 मतलब 8 और 10 भी आ जाएगा। ठीक है और सेट b में क्या आएगा y इज इवन नंबर 1 इज लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 10 मतलब 1 और 10 के बीच में 1 भी उसमें ऐड होगा और 10 भी उस वो सब ऐड कर में करके उसके इवन नंबर कौन कौन से तो इसका सेट क्या आ जाएगा 2, 4, 6, 8, 10 तो ये दोनों तो सेम है तो ये क्या है इक्वल सेट आ जाएगा। अभी और एक एग्जांपल दिया है इफ ए इज इक्वल टू 1,2,3 बी इज इक्वल टू 1,2,3,4 ए इज नॉट इक्वल टू बी वेरीफाई करना है। अभी ए इज इक्वल टू 1,2,3 है और यहाँ 1,2,3,4 है इसके एलिमेंट इसमें है तो ठीक है लेकिन इसके 1,2,3,4 यहाँ नहीं है तो ये दोनों सेट क्या है इक्वल है क्या नहीं है ये दोनों नॉट इक्वल है। तो ये अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ए सेट क्या दिया है एक्स इज अ प्राइम नंबर 10 लेस देन एक्स इज लेस देन इक्वल लेस देन 20 मतलब 10 और 20 के बीच के जो प्राइम नंबर है वो हमें लिस्ट देना है तो कौन से है 11, 13, 17, 19 ये कौन से प्राइम नंबर है और सेट बी क्या दिया है 11, 13, 17, 19 ये दोनों दिया है मतलब ए के जो भी एलिमेंट है वो बी में है जो बी के जो एलिमेंट है ए में है तो दोनों सेट क्या हो गए इक्वल सेट हो गए। तो इसके बाद एक्सरसाइज 1.2 है आप ट्राई करिए सॉल्व करने का, बाद में मैं सभी एक्सरसाइज और प्रॉब्लम सेट भी देने वाला हूँ। और अगर आप इस आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कुछ भी क्वेरी रहेगा इसके रिलेटेड तो कमेंट में डालें और सबसे इम्पॉर्टेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिए कि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा जो मैं डेली वीडियो डालने वाला हूँ। तो थैंक यू।